नमस्कार दोस्तों टीचर सीन में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे एनआईटी जालंधर यहाँ कुछ गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट निकला है तो चलिए चलते हैं उसका नोटिफिकेशन पे और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड स्टडीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो ये आप देख सकते हो ये है डॉक्टर बी आर आंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर जीरो वन बाई टू जीरो टू वन रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो इन्होंने यहां मेंशन किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड अलॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्रूटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो नीचे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है The details of the position of following departments and the minimum qualifications and other conditions are आज under. तो यहाँ आप देख सकते किया डिपार्टमेंट नंबर ऑफ पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें जो टोटल वैकेंसी है यह है तीन ठीक है देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देन सिविल इंजीनियरिंग ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप देख देख सकते हो कितने वैकेंसी है और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये मेंशन किया गया है बी या एमटेक और उसके साथ साथ कम से कम पीएचडी होना जरूरी है ठीक इसी प्रकार आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहां देख सकते हो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में टोटल जो वैकेंसी है ये है चार और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए पीएचडी के साथ साथ बी या एमएससी होना जरूरी है और कि, कि कोई भी इंटीग्रेटेड डी किया है और उसके साथ पीएचडी किया है तो वो भी एलिजिबल है यहां अप्लाई करने के लिए आठ नंबर में मेंशन किया गया है ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट यहां जो वैकेंसी है यह है टोटल तीन कोई भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीबीए या बीकॉम के बाद एमबीए किया है और उसके साथ साथ पीएचडी किया है तो ये यह भी यहां एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए देन हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे

Then, इसका सैलरी आपको क्या मिलेगा यहां देखिए मेंशन किया फिफ्टी फोर थाउजेंड इंक्लूडिंग एच आर के सारे सारे करके आपको फिफ्टी फोर थाउजेंड पर महीने आपको सैलरी मिल जाएगा देन लास्ट डेट क्या है इसका अप्लाई करने का द लास्ट डेट ऑफ समिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम एलॉन्ग विदोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इच उन्तीस सात दो हजार इक्कीस ठीक है और इसका जो अप्लाई करने का जो तरीका ये है यह है ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी का जो साइट है वेबसाइट में जाकर इसको आप अप्लाई कर सकते हो और इसका लास्ट डेट रेगुलरली फॉर डेट ऑफ इंटरव्यू और एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड तो आपको यूनिवर्सिटी का जो साइट है आपको विजिट करना पड़ेगा उससे पहले और एक चीज यहां में आप देख सकते हो द हेल्ड थ्रू द ऑनलाइन मोड फ्रॉम सेकेंड अगस्त दो ऑनवर्ड्स ठीक है इसका जो इंटरव्यू होगा ये आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और दो अगस्त से शुरू हो जाएगा तो ये था इसका डिटेल्स इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर आप इसको चाहो तो देख सकते हो डाउनलोड करके और जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहां अप्लाई कर सकते हो सो थैंक यू ऑल द बेस्ट